इधर देख सकते हैं, इधर सोफा लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा सोफा है, और एक दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ खास दिखाने वाला हूं जो काफी पसंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैं अभी एक द ओपन किचन में हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे क्या सजावट है, क्या खास है, कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है। इधर बहुत बड़ा सा जो है एलईडी टीवी चल रहा है, और यहाँ पे कितने अच्छे से इसको सजाया गया है। उसके बाद ऊपर देख सकते हैं गुब्बारा लगाया है, और ये ग्रीन कारपेट जो है दीवार में लगाए हुए हैं, जो काफ़ी सुंदर बना रहा है और भी। और इसे देखिए, इधर गुब्बारा और नीचे में जो है सोफ़ा वगैरह है। तो इसी चीज़ को आज मैं दिखाने वाला हूँ कि द ओपन किचन। आप लोग काफ़ी सारे कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के इसके बारे में पता भी होगा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि द ओपन किचन किस तरह से मतलब आप यूज कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और यहाँ आके आप पार्टी वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं, अभी हम लोग आ गए हैं द ओपन किचन में ही हैं खड़े। आप पूरा वीडियो देखिए, पहले मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, उसके बाद जो है वीडियो के लास्ट में आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, जानकारी दूंगा, आप यहाँ कैसे आ सकते हैं और कैसे इसका मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेन गेट हुआ, और नॉइज नॉइज बाहर नहीं जाता है, ये चीज़ के लिए आप निफिक्र रहिएगा। कितना भी हम चिल्ला लें, कुछ भी कर लें, नॉइज वगैरह बाहर नहीं जाता है। और जैसे आप अंदर आते हैं उस गेट से, तो आपको यहाँ सामने जो है बहुत बड़ा सा एक एलईडी टीवी दिखेगा, जहाँ आप जो है दोस्तों के साथ यहाँ सोफे पे बैठ के, इस सोफे पे बैठ के जो है एकदम मस्ती कर सकते हैं। एकदम टीवी देखिए, मूवी देखिए, जो देखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लाइटिंग जो है यार काफ़ी खूबसूरत है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और उसके बाद खास चीज़, ये जो हुक्का दोस्तों, स्मोकिंग एरिया भी यहाँ है, मतलब स्मोकिंग भी आप कर सकते हैं, अलाउ है। लेकिन यहाँ इस तरह का स्मोकिंग, ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, इसका जो है एक अलग ही वाइब है, मतलब ये नशा नहीं होता है, ये कहते हैं ना इंजॉय करने के लिए लोग इसे पीते हैं। तो ये भी चीज़ आप यहाँ ले सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन इसका जो सामान आता है वो सारा चीज़ यहाँ से आपको मैम जो है देंगे, उसका अलग से आपको कॉस्ट लगेगा। तो क्या प्राइस है इसका वो भी बताऊँगा। इधर देख सकते हैं, यहाँ देखिए कितना सीट है, यहाँ पर आप सभी दोस्त बैठ सकते हैं। उसके बाद इधर भी दो तीन टेबल है, इसके ऊपर भी बैठ सकते हैं। शायद ये लकड़ी का है, नहीं लकड़ी का नहीं, लकड़ी का ही है। और उसके बाद आइए इसको बाद में दिखाएंगे, इसका कुछ अलग बात है, इसको बाद में दिखाएंगे। उसके बाद इधर आते हैं, इधर देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सा टेबल लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का टेबल या तो कभी डाइनिंग टेबल खाने के लिए यूज होता है, आप देख सकते हैं चम्मच वगैरह भी रखा हुआ है, तो या फिर कभी मीटिंग के लिए यूज होता है, जब कोई लोग मीटिंग करना चाहते हैं 5-10 लोग एक साथ, तो वह एक एरिया जो है एक जगह डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को मीटिंग करना है, और उसके बाद जो है वो लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और मीटिंग होता है। ये यहाँ दो चीज़ से दो तरह यूज हो सकता है, जैसे कि मुझे अब डाइनिंग टेबल पे यहाँ समझाना होता है, तो यहाँ देखिए प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है, इसके ऊपर जो है समझा सकते हैं। तो उसको टेबल को जो है उस तरह से आप लगा सकते हैं, थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद किसी को अगर समझाना होगा तो यहाँ जो है आप खड़ा होकर जो है इसको समझा सकते हैं, शायद इसे खींचने से ये ऊपर जाएगा। हाँ, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से जो है इसको यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको अभी रहने देते हैं। बाकी बात, अगर किसी को बर्थडे पार्टी करना है, जैसे कि बर्थडे पार्टी या फिर रिसेप्शन, इंगेजमेंट वगैरह, बहुत सारा यहाँ चीज यहाँ होता है, ठीक ना। जैसे 10 लोग आए एक साथ, अब खाने के लिए यूज करना है तो खाने के लिए टेबल यूज कर लीजिए, मीटिंग करना है तो मीटिंग के लिए यूज कर लीजिए। तो मतलब एक साथ दो काम होता है। उसके बाद अगर किसी का बर्थडे है तो दोस्तों, दोस्तों ये देखो, यहाँ पे आप बर्थडे भी मना सकते हो, और यार कितना बड़ा गुब्बारा है, कितना कमाल का है, और हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है। उसके बाद इसके पीछे व्हाइट बोर्ड है। जी हाँ दोस्तों, ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे आप व्हाइट बोर्ड पे अगर कोई मीटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ आप मीटिंग भी कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे बैठा समझा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो है आप बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं और मीटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाहर आते हैं, यहाँ देख सकते हैं फैन, AC वगैरह सारा चीज़ लगा हुआ है। यार बहुत ही कमाल का जो है ये डेकोरेट किया है, गजब का जो है लग रहा है।
तो चलिए बाहर आप लोगों को लेके चलता हूँ, और अब मैं आप लोगों को किचन दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ आप खुद से खाना बना के जो है खा सकते हैं। तो चलिए बाहर आ गए हैं, और अभी हम लोग आ गए हैं किचन वाले एरिया में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका किचन। दोस्तों जिसे खुद से खाना बनाना पसंद है, या फिर शौक से चाहते हैं वो खाना बना के खाए कि यार कैसा बनाते हैं, या कोई दोस्त आपका अच्छा खाना बनाते हैं, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट एंड परफेक्ट है। जैसे कि लोग नया साल में जाते हैं बाहर खाना बनाने के लिए, 10 दोस्त के साथ जो है खुद से बनाते हैं, खुद से खाते हैं और मस्ती करते हैं। तो आइए, यह है किचन आपका। यहाँ सारा सामान है, नीचे देख सकते हैं ये बर्तन है, इसमें भी बर्तन है, सारा बर्तन है। यहाँ देखिए इसमें भी बर्तन है, इसे बगल वाले में भी बर्तन है, मतलब ए टू जेड सामान जो है यहाँ आपको मिल जाता है। देखिए सब में बर्तन है। ऊपर जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आपको जो है दिख रहा है चूल्हा वगैरह दिख रहा है। देखिए यहाँ नीचे भी बर्तन है, ऊपर में जो है चूल्हा लगा हुआ है। उसके बाद ऊपर देख लीजिए मसाला है, ये है मसाला आपका, मतलब ये सारा मसाला जो है आपको फ्री मिलेगा, इसका आपको कोई पैसा नहीं पे करना है। जो आप एक बार पे करेंगे उसी में ये सारा सामान जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद इधर एसी भी लगा हुआ है, किचन में भी एसी लगा हुआ है यार। और इधर देख लीजिए पानी पीने के लिए जो है सुविधा है, ये पानी आप पी सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से खरीद के बिसलारी पी सकते हैं, या फिर ये आप आरओ का पानी जो है पी सकते हैं। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं और इधर आते हैं। इधर देख सकते हैं यहाँ बिसलरी का पानी भी रखा हुआ है। ये सारा चीज़ अगर आप लेते हैं तो इसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए फ्रिज भी लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं फ्रिज में आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या सब है। यहाँ देखिए फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, मज़ा कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला, स्प्राइट, बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ रखा हुआ रहता है। मतलब आपको जो लेना है लो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको अलग से पे करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी चीज़ आप यहाँ से यूज करते हो आप एकदम बिंदास होके खाओ पियो ऐस करो, खाओ पियो ऐस करो, जो है यहाँ से आपको लेना है और खाना पीना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ यहाँ से आप यूज करेंगे ना, इनका जो है आपको अलग से पे करना रहेगा। तो आइए इधर आपको लेके चलते हैं। इधर देख लीजिए बहुत बड़ा सा जो है शीशा लगा हुआ है, और पीछे आप देख रहे होंगे एक बाथरूम है। बाथरूम तो सभी लोग जानते हैं कैसा है क्या है, मैंने भी यूज किया, साफ़ सुथरा है, पूरा क्लीन है, बहुत अच्छा है। तो ये है आपका जो है किचन एरिया। उसके बाद जो है इधर आपको लेज वगैरह दिख रहे होंगे, ये देखिए पीछे लेज वगैरह होंगे, ये भी चीज़ आप यहाँ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आपको अलग से पे करने होंगे। उसके बाद मसाला वगैरह बनाने के लिए सारा चीज़ यहाँ, सारा सामान है, मतलब आपको कोई भी चीज़ के लिए सोचना नहीं है। इधर फिर से आप मैं दिखा दे रहा हूँ, ये बाथरूम है। इसके पीछे अभी आपको लेके चलूँगा, इसके पीछे सबसे खास एरिया है। पहले ये आप देख लीजिए ड्रेसिंग रूम। जी हाँ दोस्तों, ये है डाइनिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, उसके बाद ये है ड्रेसिंग रूम। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है। यहाँ दोस्तों ये है ड्रेसिंग रूम। जैसे कि कोई किसी का शादी वगैरह होता है, रिसेप्शन वगैरह होता है, रिसेप्शन तो नहीं बोल सकते, मतलब वो क्या कहते हैं इंगेजमेंट वगैरह, तो इंगेजमेंट वगैरह वो सारा चीज़ जो है यहाँ कर सकते हैं। ये जो है आपका बैठने वाला एरिया है। यहाँ जो देखिए क्या होता है कि जैसे किसी को लड़का लड़की देखना होता है तो वो जो है इसको बुक कर सकते हैं। लेकिन इसको जो है बुक करने के लिए आपको अलग से पे करना होगा, क्या है कि आपको बर्थडे करना है तो उसके लिए तो ये रूम चाहिए नहीं, या गर्लफ्रेंड के साथ आएंगे तो उसके लिए चाहिए होता है, अपने वाइफ के साथ आएंगे तो उसके लिए चाहिए होता है। तो जब भी किसी को लड़के लड़का देखना होता है तो वो आते हैं, उसको क्या होता है रेडी होना होता है, मेकअप करना होता है, तो उसके लिए ही रूम है। इसके लिए आपको अलग से पे करना होगा, 750 रुपया लगता है। इधर आप देख सकते हैं फिर से मैं वही एरिया में आ गया, ओपन किचन वाला एरिया में। ये जो है एकदम खुला खुला सा पूरा एरिया है, बगल में एकदम खाओ, अब बगल में डीजे बजाओ, मतलब टीवी चला के देखो और दोस्त के साथ मस्ती करो, यार खुद से बनाओ खुद से खाओ, मज़ा आएगा। चलिए अभी डीजे वाला एरिया में लेके चलते हैं। ये देखिए ये है बर्थडे वाला एरिया, मतलब अगर आपको डांस करना पसंद है, आप अगर डांस करना चाहते हैं तो यहाँ आप कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे लाइट जो है वो जल रहा है। अभी हम यहाँ से गाना बजाएंगे, एक कोई गाना बजाएंगे, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ से डीजे आप जो है बजा के आप बर्थडे में जो है एकदम पूरा नाचो, पूरा कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जितना नाचना है नाचो।
उसके बाद आप बाहर आ जाएंगे, मैं आपको आप लेके चलता हूँ ओपन किचन वाला एरिया में। आप इधर किचन देख रहे हैं, इधर जो है सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है, इधर ड्रेसिंग एरिया है, ड्रेसिंग रूम है। इस तरह से जो है यहाँ आपका, आप इसे इंजॉय कर पाएंगे, आप इसे जो है देख पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब इसके लिए आपको कितना पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ड्रेसिंग एरिया छोड़ के आपको ये जो जो भी चीज़ मैंने दिखाया, इसके लिए आपको 2000 रुपया पे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, 2000 रुपया पे करना होगा। इसके 4 घंटे के लिए आपको 2000 रुपया पे करना होगा। 4 घंटा समय रहेगा, 6 दोस्त के साथ जो है आप आ सकते हैं, मतलब 6 लोगों के साथ जो है आप 6 दोस्तों के साथ 2000 रुपया पे करेंगे और इसे 4 घंटे के लिए इंजॉय कर पाएंगे। खुद से बनाइए, या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन करना है बर्थडे सेलिब्रेशन कीजिए, या फिर मस्ती करना है कुछ भी करना है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह से आप इसे इंजॉय करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2000 रुपया पे करना होगा। ये जो है आपको एड्रेस मैं बता दूँ, ये एड्रेस जो है बोरिंग रोड चौराहा, आप लोग जान रहे होंगे बोरिंग रोड चौराहा के पास जो है ये एड्रेस पड़ता है, SK पुरी पार्क। जी हाँ दोस्तों, उसके पास में जो है एक SBI बैंक है, उसी के पास जो है ये आपको द ओपन किचन मिलेगा। आप गूगल मैप पे भी आप सर्च करेंगे द ओपन किचन तो आपको यह मिल जाएगा, और गो टू मैप करके आप जो यह आ सकते हैं। बाकी बात, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया, काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है यार, पूरे बिहार में ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं दिखने मिलेगा। और हाँ, इसका नाम याद आ गया, हुक्का बोलते हैं इसे, तो इसका मज़ा भी आप ले पाएंगे। स्मोकिंग भी यहाँ आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बात, बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये बिहार में पहली बार खुला है, इससे पहले कहीं और भी खुला था? जी नहीं, ये पहली बार है। इनफैक्ट बिहार में क्या, मैं तो बोलूँ कि पूरी इंडिया में शायद ऐसा कॉन्सेप्ट, क्योंकि जितना हमने R&D करा है और जितना हम लोग एक्टिव रहते हैं, तो पूरे इंडिया में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। दोस्तों मुझे भी काफी यूनिक लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसी तरह के वीडियो के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। सो गाइस, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय।